दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, स्ट्राइक पर था दुनिया का नंबर 1 T20 पर लिबास सूर्य कुमार यादव, फिर हुआ कुछ ऐसा, देख अभी भी सदमे में नजर आ रहा है पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिरकार कैसे T20 के जबरदस्त घमासान में टीम इंडिया ने लिया ऑस्ट्रेलिया से बदला, क्या कुछ हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में, कैसे अंतिम गेंद पर सूर्य ने माही के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट से टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की करारी हार का बदला लेते हुए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया को करारी धूल चटाई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे मैच में पलटवार करना चाहती थी। लेकिन जब T20 का ये मुकाबला शुरू हुआ तब अगले कुछ घंटों में गेंद और बल्ले के बीच ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया। जी हां दोस्तों, सिक्का जब उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को चलता कर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों ने दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया, डेविड वार्नर भी चहल की फिरकी में फंस गए। तो फिर एक के बाद एक पूरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 52 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 52 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 123 रनों की आतिशी पारी खेली जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 196 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा कोई दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी, ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है कंगारुओं की वापसी का शंखनाद। जी हां दोस्तों, पैट कमिंस ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। शुरुआती 2 झटकों के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के सामने दबाव में नजर आ रही थी लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में बल्लेबाजी करने आए इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। एडम जंपा की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे खुद कप्तान पैट कमिंस, वहीं पूरा स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया लेकिन तीसरी गेंद पर कमिंस ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे, अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार, भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों सूर्य की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था, उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छुमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था, अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या ने उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका पर सूर्या से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर गेंद को कवर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी थी। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उनके हाथों से एक जीता हुआ मुकाबला सूर्या छीन ले गए। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक और सूर्या में किसे बनाया जाना चाहिए भारत की T20 टीम का कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।